दिल्ली में साल 2008 में हुई पत्रकार सोमा विश्वनाथन की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। बता दें कि अदालत ने चार आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को दोषी करार दे दिया। चारों आरोपियों को मकोका प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया। अदालत ने पांचवें आरोपी अजय सेठी को चोरी के संपत्ति लेने का दोषी ठहराया। वहीं अदालत ने सजा के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय कर दी। इस मामले में अदालत को सबूत पेश करने में अभियोजन पक्ष को 13 साल से अधिक समय लग गया। चलिए जानते हैं क्या है सोम्य विश्वनाथन की हत्या का मामला, कैसे हुई थी सोम्य की हत्या। पत्रकार सोम्य विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को जब रात को 3:30 बजे वे अपनी कार से घर लौट रही थी, तब गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक इस हत्या का मकसद लूटपाट था। उनकी हत्या के मामले में 5 लोग रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों पर कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लगाया। पुलिस ने बताया कि आईटी पेशेवर जिगिशा घोष की हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी से विश्वनाथन हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। दरअसल साल 2009 में दिल्ली में ही एक और लड़की की हत्या हुई। बीपीओ में काम करने वाली जिगिशा घोष की हत्या 18 मार्च 2009 में हुई थी। सुबह करीब 4 बजे जिगिशा की ऑफिस की कैब ने उन्हें उनके घर के पास उतारा। वो अपने घर जा रही थी लेकिन कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया और 3 दिन बाद 21 मार्च को सूरजकुंड में जिगिशा की लाश मिली। जिगिशा मर्डर केस की जांच में 5 लोगों के नाम सामने आए। ये नाम रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी थे। इन्होंने जिगिशा का अपहरण कर उसका कत्ल किया था। कत्ल की जांच के दौरान ही पता चला कि इन्हीं पांचों ने कुछ महीने पहले सोम्य विश्वनाथन को भी मौत के घाट उतारा था। तो इसी तरह जिगिशा की हत्या के खुलासे के साथ ही सोम्य विश्वनाथन की हत्या का भी खुलासा हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।